Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नवाज शरीफ पर फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू। नवाज शरीफ कहते हैं गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद करने की कोई नसीर नहीं मिलती। ये सवाल भी किया कि पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है या इंसाफ का खून। उम्मीद थी कि मेरे साथ इंसाफ होगा, तो आप बताएं ये इंसाफ हो रहा है क्या सर? फैसला पहले हो चुके हैं और हेयरिंग अब हो रही है सर, ऐसा कहा जा रहा है ये इंसाफ का खून हो रहा है। कराची के टैक्सी ड्राइवर अहमद रबानी को पैसे लेकर सीआईए को हसन गुल के नाम से बेचा गया। अमरीकी सेनेट भी बेगुनाही की तस्दीक कर चुका, मगर पाकिस्तानी हुकूमत ने रिहाई और मदद के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। इमरान खान का वॉशिंगटन पोस्ट में मजमून। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक के दौरे पर आज रवाना होंगे। बतौर वजीर खारजा रेक्स टिलरसन का ये जनूबी एशिया का पहला दौरा होगा। लारफ कंट्रोल पूंछ बटल सेक्टर पर भारतीय फौज फिर आपे से बाहर, सिविलियन आबादी पर फायरिंग करती, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। कराची के इलाके मलीर साहब दाद गोट में फायरिंग, पुलिस अहलकार को कत्ल कर दिया गया। मुल्तान के सनती एरिया में धागा फैक्ट्री में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में इंतजामिया ने फीसों में इजाफे का फैसला बिल आखिर वापस ले लिया। पीर से तदरीस बहाल हो जाएगी, एहतजाज के दौरान निकाले गए तलबा की वापसी के लिए अहम इजलास साज होगा। हालिया में मुसाफिर बस नाले में गिर गई, 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कंदील बलोच कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम मुफ्ती अब्दुल कवी के दिल में तकलीफ, मुल्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जेर इलाज। मुफ्ती अब्दुल कवी को अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम D8 का इजलास आज शुरू हो रहा है। इजलास में शिरकत के लिए वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी तुर्की में मौजूद हैं। बच्चे की सड़क पर विलादत, शहबाज शरीफ के एक्शन के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रायविंड का एक और भी बुरा हाल। निजी यूनिवर्सिटी का सारा अमला वापस चला गया, अस्पताल में अब ना डॉक्टर है ना अमला, मरीज फरियाद करें तो किससे करें। स्पेन की मरकजी हुकूमत खुद मुख्तार इलाके कैटालोनिया का निजाम संभालने के लिए तैयार, आर्टिकल 155 के तहत कैटालोनिया की खुद मुख्तार हैसियत खत्म करने के लिए स्पेन की काबीना का इजलास आज होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि शुमाली कोरिया को कोने में धकेलने की कोशिश ना की जाए, यूरोप की अंदरूनी तकसीम का जिन बहुत पहले ही बोतल से बाहर आ गया है।